ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 16 नवंबर 2020 को सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मीन राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, भुवन भास्कर सूर्य देव, जिसको ज्योतिष में ग्रहों का राजा कहा गया है, 16 नवंबर 2020 को सुबह 6:40 पर अपनी नीच राशि तुला राशि को छोड़कर अग्नि तत्व राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर 15 दिसंबर 2020 तक वृश्चिक राशि में ही सूर्यदेव भ्रमण करने वाले हैं, तो इसका 12 राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो मीन राशि वाले जातकों के ऊपर इस गोचर का कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो देखिये, सूर्यदेव को ज्योतिष में काल पुरुष की आत्मा कहा गया है और सभी ग्रहों में इनको राजा का दर्जा प्राप्त है। पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का सीधा संबंध सूर्यदेव से होता है। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली पर सूर्यदेव बली अवस्था में होते हैं तो ऐसे जातक को सूर्यदेव मान सम्मान दिलाते हैं, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सरकारी क्षेत्र में कम प्रयास करने पर ही श्रेष्ठ सफलता प्राप्त हो जाती है। ऐसा जातक शारीरिक रूप से बली होता है, प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाला जातक होता है। क्योंकि वृश्चिक राशि यानी अग्नि तत्व प्रधान राशि में सूर्यदेव का गोचर होने जा रहा है, तो यहाँ पर सूर्यदेव ज्यादा प्रभावी रहने वाले हैं। देखिए, कई ग्रह यदि कम प्रभावी अवस्था में कुंडली पर हो, लेकिन एक ग्रह सूर्य यदि मजबूत अवस्था में होते हैं तो जातक को जीवन में सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होती है और सभी सुख प्राप्त होते हैं। वही कुंडली पर यदि पीड़ित अवस्था में सूर्यदेव होते हैं तो ऐसे जातक को अशुभ परिणाम जीवन में देखने के लिए मिलता है, यानी आंख से संबंधित परेशानियां, मान सम्मान में कमी, पिता से संबंध खराब हो जाना और सरकारी क्षेत्र में ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी कम सफलता प्राप्त होना। किसी भी व्यक्ति की कुंडली पर आत्मबल देखना हो, मान सम्मान की प्राप्ति देखना हो, निर्णय लेने की क्षमता देखना हो और व्यक्ति का मनोबल देखना हो, ये सारी चीजें सूर्यदेव की स्थिति को देख कर ही जाना जाता है। और जाहिर सी बात है, यदि किसी भी व्यक्ति का आत्मबल बढ़ा हुआ रहेगा तो जीवन के सर्वश्रेष्ठ यानी सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करता हुआ जातक नजर आएगा। तो आइए जानते हैं इसका मीन राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। यह फलादेश आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, सूर्यदेव आपके राशि के नौवें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली पर नौवें भाव से भाग्य, पिता, गुरु, धर्म, अध्यात्म के बारे में विचार किया जाता है, साथ में उच्च शिक्षा के बारे में भी इस भाव से विचार किया जाता है। इस भाव में सूर्यदेव का प्रभावी होने से एक महीने तक मीन राशि वाले जातकों को कई प्रकार के शुभ परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आने वाले हैं। सबसे पहले जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उन्हें श्रेष्ठ परिणाम और अच्छे प्रदर्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको जो प्रदर्शन होगा सर्वश्रेष्ठ होगा, एकाग्रता काफी ज्यादा बढ़ेगी, भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। यह गोचर आपके जीवन में बहुत सारे अनुभवों को देखकर जाने वाला है। इस समय अवधि में यदि आप अपने मनोबल और उत्साह को बढ़ाकर जीवन में आगे बढ़ने पर विश्वास रखते हैं तो आप दुश्मनों को भी परास्त करते हुए नजर आएंगे, साथ में सर्वश्रेष्ठ सफलता आप हासिल करते हुए नजर आने वाले हैं। यदि पूर्व के समय से आपको मान सम्मान में कमी देखने के लिए मिल रही थी तो इस एक महीने के अंतराल में यानी सूर्य गोचर के फल स्वरूप मीन राशि वाले जातकों को मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। इस समय अवधि में जो मीन राशि वाले जातक हैं, पिता से यदि आपके संबंध काफी पूर्व के समय से खराब थे तो पिता से संबंधों में प्रगाढ़ता देखने के लिए मिलेगी। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मीन राशि वाले जातक इस समय अवधि में काफी तेजी से प्रगति करते हुए नजर आएंगे और मेहनत करते हुए भी नजर आने वाले हैं। इस गोचर के प्रभाव के फल स्वरूप आपके संबंध काफी मजबूत बन सकते हैं। यदि आप धैर्य पूर्वक पारिवारिक जीवन में चलते हैं तो परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग भी प्राप्त होता हुआ नजर आने वाला है। मीन राशि वाले जातकों, आपका जो ध्यान है, आपकी जो रुचि है, आध्यात्मिक कार्यों में भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर एकाग्र होती हुई नजर आएगी, यानी धार्मिक कार्यों में भी संलग्नता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यह गोचर आपके जीवन में सभी क्षेत्रों में शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। जीवन साथी के साथ यदि पूर्व के समय से नकारात्मक स्थितियां बनी हुई थी और संबंध काफी खराब अवस्था में थे तो जीवन साथी से भी आपको भरपूर साथ मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो जातक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय काफी श्रेष्ठ रहने वाला है।
इस समय अवधि में जो जातक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं उनके लिए जीवन में स्थितियां काफी श्रेष्ठ बनती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। सूर्य की जो शुभ दृष्टि है आपके राशि के धन भाव में भी जा रही है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्रेष्ठ स्थितियां आपके जीवन में आर्थिक जीवन में निर्माण होगी, यानी धन आगमन की पूर्ण रूपेण संभावना ज्यादा से ज्यादा बनती हुई नजर आती हुई दिखाई देगी। तो आइए हम आपको कुछ खास उपाय बताते हैं। यदि कुंडली पर मीन राशि वाले जातकों सूर्यदेव प्रभावी ना हो या पीड़ित अवस्था में सूर्य हो, तो इस गोचर के फल स्वरूप आपको कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करना श्रेष्ठ आपके लिए रहने वाला है। सूर्य नमस्कार यदि आप करेंगे तो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप काफी चुस्त दुरुस्त रहने वाले हैं। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करना और प्रत्येक दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करना यानी अर्घ देना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। इससे मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, साथ में सरकारी क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आने वाली है। पिता से अपने संबंध को काफी मजबूत बनाकर चले, पिता का आशीर्वाद लेकर ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस समय अवधि में अचानक आ रहे क्रोध पर नियंत्रण रखकर जरूर चलना चाहिए। तो यदि आप ये उपाय करते हैं तो अच्छी स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में जरूर होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।